ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਖੇੜੇ। Hi guys, this is ਹਰਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ। ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਹੀਰੀਏ ਬਿਲਾਲ ਸਈਦ ਕਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਸਈਦ ਕਾ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਹੈ 11, ਉਸਕਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਹੀਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਬਜਾਨੇ ਮੇਂ, ਉਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਆਪਕੋ ਉਸਕਾ ਇੰਟਰੋ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਤਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਡਸ ਬਤਾਊਂਗਾ ਗਾਣੇ ਕੇ। ਤੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗਾਣੇ ਕਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਸੀ ਮਾਈਨਰ ਸਕੇਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਡਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੀ ਮਾਈਨਰ, ਏ ਸ਼ਾਰਪ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਬੀ ਫਲੈਟ ਮੇਜਰ ਜੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਯੇ, ਜਾਂ ਇਸਕੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ। ਬਸ ਯੇ ਤੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਆਪ ਬਜਾਓਗੇ ਏ ਮਾਈਨਰ, ਜੀ, ਐਫ, ਯੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੀ ਟਾਈਪ ਮੇਂ ਸੀ ਮਾਈਨਰ, ਏ ਸ਼ਾਰਪ ਔਰ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਬਸ ਵਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਮੇਂ, ਯੇ ਤੀਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲਗੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੰਟਰੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੋ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕਾ ਹੈ। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, बस हमको सिंपल कॉर्ड पकड़ना है और सिंपल प्लगिंग करनी है। तो देखो, सबसे पहले जो है वो हम सी माइनर पकड़ेंगे। अब उसमें हम स्टार्ट करते हैं, देखो 4 3 2 3 4 2 3 ऐसे 4 3 2 3 4 2 3। फिर अब वही ए शार्प में भी सेम चीज 4 3 2 3 4 2 3। उसके बाद जी शार्प में भी वही चीज 4 3 2 3 4 2 3। फिर यहाँ पे ए शार्प में आ जाइएगा, फिर वही सेम चीज 4 3 2 3 4 2 3। और अगर आप इसके बाद जी शार्प के बाद ए शार्प यहाँ लगा रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ इस टाइप का, मतलब थर्ड स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा 3 2 1 2 3 1 2। ये यहाँ पे ऐसा होगा, बाकी यहाँ पे तो सेम चीज है 4 3 2 3 4 2 3। तो बस ये पार्ट इस टाइप का है। बस ये है इसका इंटर पार्ट और कॉर्ड मैंने जैसे आपको बताया सी माइनर, ए शार्प, जी शार्प। और जो पैटर्न इसमें लगा है सिंपल एक ही पैटर्न है, डाउन 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 डाउन, ये वाला ही पैटर्न लगा है डाउन 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 डाउन। बहुत सारे गानों में यूज होता है ये वाला पैटर्न, कॉमन पैटर्न है। तो ये इजी पैटर्न है, अच्छा सॉन्ग है, बहुत इजी सॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रो पार्ट आता है वो भी हम बजाएंगे, उसके बाद कॉर्ड्स की टाइमिंग और बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Oh,
इस गाने का कॉर्ड हीरिये बिलाल सईद का। मैंने आपको बोला तो बहुत इजी कॉर्ड है, सी माइनर, ए शार्प और जी शार्प, ये तीन कॉर्ड लगाने हैं। और ये जो गाना है इसके जो कॉर्ड्स हैं वो आपके कॉर्ड्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो आप प्रोग्रेशन बजाते हैं इसमें क्या है, हाथ में थोड़ा पेन भी होता है, और ये वाला पैटर्न तो स्पेशली बहुत अच्छा है, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। आप इस पैटर्न को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पैटर्न से आपका राइट हैंड जो है कॉर्ड में वो बहुत इंप्रूव होगा, और आपका लेफ्ट हैंड तो होगा ही इम्प्रूव इस कॉर्ड से, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये गाना थोड़ा लंबा चलता है, तो आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पेन हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और इंट्रो पार्ट भी बहुत ईजी है, मैंने बता दिया, सिंपल प्लकिंग करनी है, बहुत अच्छा गाना है। तो ये था कम्प्लीट लेसन इस गाने का। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई गाना रिक्वेस्ट करना है तो आप मुझे कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।